हेलो एंड वेलकम टू द स्टाइलिश स्क्वाड। हम ये चैनल पे जनरली बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों पे बात करते हैं, तो इस वाले वीडियो में हम थोड़ी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो में जो भी ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई भी ब्रांड को ऊपर या कोई भी ब्रांड को नीचे नहीं कर रहे हैं, बस ये अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबकी लाइफ में मोबाइल फ़ोन सबसे कीमती चीज़ हो गई है। हम रियलाइज ही नहीं करते हैं हम इस पे कितना डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। लेकिन आप कभी सोचे हैं जो आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो आप ऐप्स यूज़ करते हैं, उसका बैकएंड में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या? जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो रही है क्या? ये सारी चीज़ पे कभी आप फोकस करें हैं? तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के आज हम इस वीडियो में आपके साथ एंड्रॉयड और iOS के बीच में डिफरेंसेस बताने वाले हैं। मैं खुद करीब 8 से 10 साल तक एंड्रॉयड यूज़ किया हूँ, वो चाहे HTC हो या चाहे सैमसंग हो, बहुत सारे मैं फ़ोन्स यूज़ किया हूँ। लेकिन जो इस वीडियो में मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स मुझे हेल्प करे एक बड़ा लीप लेने में और आईफोन खरीदने में। पॉइंट नंबर 1, एंड लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। एप्पल का iOS सबसे ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन एंड्रॉयड का जो प्राइवेसी सिस्टम है बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं। आजकल इतने सारे फ़ोन ब्रांड्स में आपको एंड्रॉयड मिलता है, तो ये तो ऑब्वियस है कि हैकर्स इसको ज़्यादा टारगेट करेंगे। आईफोन सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट में अपने यूजर्स को सिक्योर फील कराता है, इसलिए आप नोटिस करें होंगे कि जो दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ हैं जनरली आईफोन यूज़ करना पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, आईफोन्स एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा फास्ट होते हैं। आजकल एंड्रॉयड में आपके पास 8GB, 12GB या 16GB रैम के भी ऑप्शन हैं और उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट है, लेकिन जो आईफोन के पुराने वेरियंट्स थे उसकी स्पीड हमेशा से अच्छी रही है। ये आईफोन का सबसे बेस्ट फीचर है क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटीग्रेशन है वो काफ़ी तगड़ा है। पॉइंट नंबर 3 है आईफोन की साउंड क्वालिटी। अगर आप कोई भी आई डिवाइसेस पे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, इसका आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। आई डिवाइसेस में जो म्यूजिक का मजा आएगा, जस्ट टू गुड। अगर आप हार्डकोर म्यूजिक लवर हैं और आपको अगर हर एक बीट एंजॉय करना है, तो आप आई डिवाइसेस में म्यूजिक प्ले करके तो देखिए। और अगर आप दूसरे ब्रांड का कोई भी वायर्ड, वायरलेस या ब्लूटूथ ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फील होगा कि एप्पल में इसका वॉल्यूम थोड़ा लाउड है और क्रिस्प और क्लियर है। आप एंड्रॉयड में इक्वलाइजर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा म्यूजिक क्रैक हो जाती है ये करने से। पॉइंट नंबर 4 है लॉन्जिविटी। इसका मतलब यह है कि कोई भी डिवाइस जब आप लेते हैं, तो कितने साल तक कोई भी प्रॉब्लम के बगैर आप यूज़ कर सकते हैं। आईफोन जनरली आपको 3 साल तक चलेगा, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, वेरस एंड्रॉयड में आपको बहुत जल्दी आपको प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे, हीटिंग इश्यूज होने लगेंगे। प्रॉब्ली एंड्रॉयड आपको 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल चलेगा, आईफोन 3 साल चलेगा। पॉइंट नंबर 5 है आईफोन का कैमरा क्वालिटी। आजकल बहुत सारे एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं जिसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक उन लोग आईफोन को बीट कर पाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यू वुड बी शॉक्ड टू रियलाइज कि मैं आईफोन के सेल्फी कैमरा में ये शूट कर रहा हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जो आईफोन की कैमरा क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप देख सकते हैं, जो जनरली हम लोग वीडियो शूट करते हैं, हम लोग आईफोन से शूट करते हैं, ये आईफोन 11 प्रो है। अगर आप देख सकते हैं, इसमें 3 कैमरा हैं और मेरा सब काम इसी में हो जाता है। अगर मुझे वाइड एंगल चाहिए या क्लोजअप चाहिए, सब इसी में हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका वाइड एंगल कैसे काम करता है। ये जो है, ये मेरा नॉर्मल कैमरा मोड है। अगर मैं इसको जूम करना चाहूँ तो दूसरा कैमरा मोड, अगर मैं प्रेस करूँ तो वो डायरेक्ट क्लोजअप हो जाता है। और अगर मुझे वाइड एंगल चाहिए तो ये वाला कैमरा मोड में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आईफोन का कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा है, क्योंकि मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ, बस ट्यूबलाइट में शूट कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सटर्नल लाइट्स कोई नहीं है, मैंने फ्लैश ऑन नहीं किया है। और आप देख ही सकते हैं, ये काफ़ी तगड़ा है इसका कैमरा मोड है, और ये तो सेल्फी मोड में मैं अभी शूट कर रहा हूँ। आपको एंड्रॉयड में भी शायद ये सारे मोड्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लैरिटी मिल रही है आपको आईफोन में, वो आपको एंड्रॉयड फोन्स में नहीं मिलेगी। जो अगले 2 पॉइंट है, वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को आईफोन से थोड़ा बेटर बनाते हैं। तो मेरा जो 6 पॉइंट है, वो है बैटरी बैकअप। जो एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स होते हैं, उसका बैटरी बैकअप जनरली आईफोन से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनकी जो बैटरीज होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटरीज होते हैं। और इसमें आपके पास बहुत सारे लो पावर मोड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका बैटरी कंजप्शन बहुत कम होता है। और जो 7th और आखिरी पॉइंट है, वो है स्टोरेज। आईफोन का स्टोरेज बहुत कम होता है। आईफोन्स में जो मैक्सिमम स्टोरेज मिलेगा आपको, वो है 512GB, जो इनके सबसे हाईएस्ट वेरिएंट में मिलेगा। और अगर आपको एडिशनल स्पेस खरीदना है, तो आपको iCloud में स्पेस खरीदना पड़ेगा। तो शायद ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो एंड्रॉयड का है आईफोन्स पे कंपेयर करने से, क्योंकि आप एंड्रॉयड में एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड खरीद सकते हैं और उसमें आप अपने फोटोज, वीडियो सब सेव कर सकते हैं और एक फोन से दूसरे फोन को ट्रांसफर भी आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस थे एंड्रॉयड और iOS के बीच में। अगर थोड़े डिफरेंसेस हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं और मैंने मेंशन नहीं किया, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जब मैं एंड्रॉयड यूज़ करता था, तो मुझे लगता था कि एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है,
मुझे लगता था अगर मैं आईफोन खरीदूंगा तो शायद मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने जब आईफोन खरीदा तो मुझे फील हुआ कि आईफोन बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आईफोन का एक इंटरेस्टिंग फीचर है, या इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, अगर आप एक बार आईफोन खरीद लिया तो आप हमेशा आईफोन ही खरीदते रहेंगे, नेक्स्ट वेरियंट आएगा तो वो नेक्स्ट वेरियंट ही लेंगे आप। तो ये सारी चीज़ में एक प्रॉब्लम है कि जो आईफोन होते हैं वो आईफोन थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करने से, तो अगर आप नेक्स्ट वेरियंट लेने जाएंगे तो आपको तो ज़्यादा नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो शायद आपको एंड्रॉइड में नहीं मिलेंगे। तो आई होप ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अगर आप एक लीप ले रहे हैं फ्रॉम एंड्रॉइड टू आईफोन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज जो आईफोन को थोड़ा बेटर बनाती है वो है इसका प्राइवेसी। प्राइवेसी में आईफोन इज द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों पर हम हमेशा वीडियो बनाते हैं। बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड पीस।